गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत आज हो रही है। दोपहर 12:06, 6 minutes past the noon। और सबसे पहले चल रहे हैं अब एक एनालाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर। थोड़ा सा लेट, हालांकि टाइम यही होता है हमारा जाने का, पर कभी कभी हमने सोचा था कि 11 बजे पहुंच जाएंगे, पर नहीं हो पा रहा। पहुंचते हैं, फिर अगले अपडेट के साथ मिलते हैं आपको। आगे हैं जी अब एक एनालाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर। हमारे भाई साहब सुबह से मौजूद है यहाँ पे। कितने बजे आए थे आज भाई साहब? 11 बजे। और मैं पहुंचा यहाँ पे तकरीबन 12:30 बजे। और ये हमारी ग्रीन टी रेडी है। और आज का थैंक्स है विनय श्रीवास्तव जी का। ये अमरूद आए हुए हैं, अमरूद। ये सर्दियों का खजाना लेके आते हैं, कभी कभी संतरा, कभी अमरूद। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू आपका, बहुत धन्यवाद। और साथ में अपने वही सॉल्टेड पीनट्स और ग्रीन टी। सेकेंड राउंड शुरू हो गया है। टाइम ऑलरेडी 12:55 हो गए हैं, 5:01 आफ्टर द नून। तो ये अपना सेकेंड राउंड शुरू करते हैं और थोड़ा सा जो काम हमारा शुरू किया हुआ है हमने वो कर लेते हैं और देखते हैं आगे आगे दिन जैसे जैसे बढ़ता है। शायद कोई आएगा, किसी को बुलाया था, अगर उनके पास टाइम होगा तो वो आज आ जाएंगे। मीटिंग की बात करते हैं, कुछ काम कुम की बात करते हैं और फिर आपको मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। टाइम 3:16 ऑलरेडी, 3:15 आफ्टर द नून। और हम निकल गए हैं अवेकन लाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर से। एक मीटिंग है, वहां चलते हैं और उसके बाद फिर मैं करता हूं आपको अपडेट। आज हवा उतनी नहीं है तो ये फ्लैग स्टिल नीचे की तरफ गिरा हुआ है, हल्का हल्का हिलने की कोशिश कर रहा है। टाइम 3:57, ओनली 3:04 ऑलमोस्ट इन द इवनिंग। अवेकन लाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर से निकल के रास्ते में किसी को मिलना था, वो मीटिंग कर ली और अब चल रहे हैं घर की तरफ। थोड़ी थोड़ी ना भूख भी लग रही है तो देखते हैं, कुछ भूख का उपाय करते हैं और वट एवर हैपन्स मैं अगली अपडेट के साथ आपको घर पहुंच के मिलता हूँ। पहुंच गए हैं जी घर पे और आते आते रास्ते में से ना मेरे को याद आ गया कि मिल्क ब्रेड ख़त्म हो गई है तो वो भी लेते आए हैं। और रात को हमने ले ली थी अदरक, वो भी हमारी पॉकेट में पड़ी थी इस वाली बड़ी वाली जैकेट की, तो वो भी पहुंच गई है अपने घर पे। और अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, हल्की सी भूख लगी है, देखता हूँ कुछ खाने को। ऑलरेडी मंचिंग के लिए पड़ा ही होगा, वो खाता हूँ। और थोड़ा रेस्ट करने के बाद ना फिर मैं मिलूंगा तकरीबन 5:30 के करीब, चाय पे मिलते हैं। अभी फिलहाल टाइम हो गया है 4:16, ऑलरेडी 4:15 इन द इवनिंग। तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको चाय पे। लो जी, हो गया है हमारा रेस्ट और मुश्किल से सिर्फ 10 मिनट सो पाया था। उसके बाद एक कॉल आ गया था जिस पे बात हो रही थी कुछ काम की, और बात होते 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 मैंने फिर चाय बना ली। और अब टाइम हो गया है 5:32, ऑलरेडी 5:30 इन द इवनिंग। ये रही हमारी चाय और साथ में खा लेते हैं थोड़े से कुकीज, बिस्किट्स, बिस्कुट, जो मर्जी कहना चाहो। हाँ, इस चीज का ना मैंने देखा है कुछ व्लॉग्स के अंदर ना मजाक बना रहे होते हैं, बिस्कुट वो आगे से बोलती है, नहीं बिस्किट बोलते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा बिस्कुट बोलते हैं, जो भी मतलब। तो आप जो मर्जी समझना चाहो, मैं तो कुकीज खा लूंगा भैया, राइट। सो उसके बाद फिर तकरीबन 6:30 हम निकलेंगे अपनी गेड़ी के लिए। तो वट एवर अपडेट कम्स अप आई विल बी विद यू। टाइम 6:34, ऑलरेडी 6:30 इन द इवनिंग। और हम चल पड़े हैं अपनी घेड़ी पे और आज जा रहे हैं फिर से एक अपोजिट साइड में। कहाँ जा रहे हैं वो पहुंच के बताते हैं, राइट। तो घेड़ी पे निकल गए हैं और आगे देखो ट्रैफिक का हाल। ये देखो, ये वो स्पॉट है जहां मैंने पहले भी आपको एक बार दिखाया था कि ऊपर से एलिवेटेड रोड यहाँ पे आके मर्ज होती है और यहीं पे इधर से जाते हैं, मर्ज होते हैं और यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता ही होता है। ये देखो,
और ये बाहर अनऑथराइज गाड़ियां खड़ी होने की वजह से यहाँ पे रोड छोटी भी हो जाती है। इतना बड़ा इसका जो कैरेज वे है, आधा तो ये गाड़ियां जो पार्किंग वाली है यही घेर लेती हैं। चलो चलते हैं, गेड़ी पे चल रहे हैं और ये कुछ अपोजिट आने वाले लोग, और यहाँ आके एक बहुत बड़ा मर्जर पॉइंट है अभी फिलहाल। ये देखो पीछे मेरे, यहाँ पे अभी फिलहाल तो ट्रैफिक जाम नहीं है पर जल्दी हो जाएगा। हम थोड़ी देर के लिए चले गए थे, अरे भैया और थोड़ी देर के लिए चले गए थे गुरुद्वारा शेरांवाला गुरुद्वारा, और वहाँ पर फिर थोड़ी देर पापा जी से बातचीत हुई, उन्होंने चाय पिलाई और अब निकल गए हैं अपनी गेड़ी पर आगे। अभी हम पहुँच गए हैं तिलक नगर में, वही सामने काला भल्ले वाला की दुकान और बाकी की ईटरीज। यहाँ पे यार खाने वाने के पूरे स्टॉल्स और पूरी शॉप्स यहाँ पे होती हैं, तो फुल मौजा तिलक नगर में। तो ये देखो ये भी खड़े हुए स्टॉल्स लगा के, कियोस्क लगा के, यहाँ पे खाने वाने की कोई कमी नहीं भैया। तिलक नगर इज़ अ फूड हब, आई मस्ट से। चलो चल रहे हैं गेड़ी पे, अगला जो भी पड़ाव आता है फिर मिलते हैं आपको। ओहो ये तो आगे तिलक नगर साइड से आ रहे थे तो यहाँ तो मंगल बाजार ट्यूसडे मार्केट लगी हुई है। रूट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से लेफ्ट जाना पड़ेगा। चलो यहाँ से निकल के फिर मिलते हैं। 2 hours later। तो जी खत्म होता है अपना गेड़ी का टाइम। थोड़ी सी गेड़ी हमने पैदल भी की थी पर वहाँ फिर वीडियो नहीं बनाई, कुछ मार्केट सेगमेंट नहीं था, कुछ खाली सी जगह पर अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये जो गेड़ी ख़त्म होती है तो उससे पहले, मतलब घर पहुँचने से पहले रास्ते में से ले लेते हैं कुछ खाने के लिए और देखते हैं। अपना वो भैया वो छुट्टी उट्टी ना चला गया, बहुत छुट्टी जाता है यार वो नहीं गया होगा तो वहाँ चलते हैं और फिर खाने को लेते हैं और आपसे भी हेलो करवाते हैं उसको, ठीक है। फिर चलेंगे घर और फिर खाएंगे खाना और फिर अगले जो भी अपडेट होता है अगला मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी देर को। हाँ जी पहुँच चुके हैं घर पे और वो भैया तो अपने अपने ठिकाने पे नहीं मिला, पर खाना हमने ले लिया, ये रोल ले लिया है हमने और ये हमारी हॉट कॉफ़ी रेडी हो गई है पीने के लिए। गरम गरम है भाई, हाथ जल रहा है पर ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हुआ पड़ा है। अभी अभी हाथ पानी में डाले थे तो जम चुके हैं अच्छी तरह से, तो इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर ये गर्मी का मौसम होता तो इतनी देर तक भी नहीं, 2 सेकंड भी नहीं होल्ड किया जाता, राइट। सो वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। एक और औसत सा दिन था आज, कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस थोड़ी सी एक्टिविटीज़ बढ़ने दो। ये हल्की सी ठंड अब जो बढ़ गई है, उम्मीद करते हैं कि एक आधे दिन में चलते हैं कनॉट प्लेस या करोलबाग। आपको किसी काम से मेरे को जाना है, या तो मैं कल जाऊंगा या परसों, जब भी मैं जाऊंगा आपको साथ लेके चल रहा हूँ और वहां की रौनक दिखा के लाऊंगा। न्यू ईयर के दिनों में, इन सर्दी के दिनों में रौनक कुछ अलग होती है करोलबाग में भी और अच्छी अच्छी मार्केट्स में भी। तिलक नगर तो मैंने आपको कई बार दिखाया, हम रजौरी गार्डन मार्केट भी चलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। कल का कुछ प्रोग्राम बनाते हैं शाम का, जब हमारा ये गेड़ी का टाइम होता है ना, तो कल देखते हैं कहीं मार्केट में चलते हैं और वहां देख के आते हैं कि क्या हलचल है, क्या रौनकें लगी है, राइट। सो इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। यहां तक देख लिया तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आज नए आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे, राइट। सो साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।